मेरा पहला साल है, तो मनोकामना अब तो मैं दूसरों के गणपतियों पे जाके मांगती थी, आज अपने वालों की मांगूंगी थोड़ी देर से, जब निकालूंगी घर पे, जब विसर्जन के लिए डालूंगी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है एक्चुअली। थोड़ी देर पहले जब आरती हुई तो मैंने रो भी दिया, और बस ये चाहती हूँ कि अब आए हैं तो हर साल आए, और बस आशीर्वाद दें बहुत मेरे जितने आसपास के लोग हैं सबको, सबकी लाइफ में खुशियाँ, समृद्धि, उन सबके विघ्न हरो, बस मैं ये चाहती हूँ। और ये भी जान चाहे अपना बोला है, काफ़ी कुछ किया अपनी लाइफ में पिछले कुछ दौर में, क्या कहना चाहेंगे कि कितनी संतुष्ट है, कितनी खुशी है? डेफिनेटली मैं एक बहुत छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, जम्मू से, और मैं बप्पा की नगरी में आके रह रही हूँ पिछले 8-9 सालों से, तो यस संतुष्ट हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छे से रखा है मुझे, रानी की तरह रखा है। इस चीज़ के लिए मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, घर नहीं आ रहे, बट इस साल उन्होंने पूरा कर दिया। उन्होंने बता दिया कि तेरी एक पारी अगर ख़त्म हुई है तो एक मैं तेरी शुरू करने जा रहा हूँ, तो आई एम श्योर कि बहुत जल्दी मैं जो सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में जो प्लानिंग्स हैं, मुझे मेरे प्रोडक्शन हाउस को लेकर, मेरे बिजनेस को लेकर, आई थिंक पापा ने आशीर्वाद दे दिया है घर आकर, ये बता दिया है कि सब सफल होगा। मैं बिल्कुल पार्ट नहीं बनने वाली हूँ बिग बॉस का, और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं, अगर होता तो डेफिनेटली आप मुझे देखते, गणपति पप्पा नहीं रख पाती मैं मुझे, क्योंकि बिग बॉस की तैयारी करनी पड़ती, बट मैं नहीं हूँ बिग बॉस के लिए इस बार, और बिल्कुल फेक न्यूज़ से मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ऑफकोर्स मैं बहुत सोशल हूँ पहले से ही, जैसे लास्ट ईयर मैंने मेरे बर्थडे पे हम लोगों ने मेडिकल कैंप किया था, इस साल आई वॉज नॉट इन द टाउन, अदरवाइज हमारा ब्लड डोनेटिंग का हम प्लान कर रहे थे कैंप। मुझे लगता है कि पार्टी करने से या डिस्को डांस, डिस्को क्लब में नाचने से, अपने पैसे वेस्ट करने से अच्छा कि मैं किसी के काम में वो चीज़ लगा सकूँ। स्मार्ट एनजीओ हमेशा मेरा साथ देती है इन सब काम में, और आई विश मैं आगे भी करती रहूँगी सामाजिक कार्य, बट यस बिजनेस प्लान है मेरा कि मैं अपना बिजनेस सेटअप करूँ बॉम्बे में और ग्रो करूँ। बेसिकली आई जस्ट वांट टू बी कि मैं ग्रो करूँ ऐसे एज अ गर्ल, मैं एक ही चीज़ पे ना रहते हुए कि मैं हीरोइन हूँ तो मैं हीरोइन ही रहूँ, मैं नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि प्रोडक्शन हाउस सेट हो जाए, एक बिजनेस हो जाए, सीरियल की भी सोच रही हूँ, बट देखते हैं पापा कितना साथ देते हैं, कितनी मेरी चीज़ें पूरी होती है। इस मामले में सच में बहुत लकी रही हूँ, मेरा इनविटेशन जिन जिन को गया था, जिन जिन को भी, सब आए। स्टार्ट करूँ अगर तो रवि जी आए, सीमा आए, अक्षरा आए, प्रियंका आए, और संगीता, लवी, स्मृति, सब दोस्त आए, मनोज टाइगर जी आके गए, कि सारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मधुरेंद्र राय, प्रवेश, शुभी शर्मा, और भी मेरे जो सीरियल से है, करण सिंह छाबड़ा एक सीरियल से है वो आए, पारस मदान आए, मीडिया आई, सबसे बड़ा जो मेरा है मीडिया जो मेन है, मीडिया आई, संजय भूषण जी आए अपना कीमती समय निकाल कर, तो मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ। और आनंद जी भी आए ऑरेंज शर्ट टी शर्ट पहनकर, तो मैं बहुत कल कुर्ता पहन के भी आए थे, तो मैं बहुत लकी समझती हूँ कि मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली, सब सब लोग, सब आए, सब मैं आई एम सो हैप्पी, थैंक यू पप्पा। मेरा पहला गणपति था और मैं बहुत नर्वस थी कि कैसे क्या करूँगी, बट बहुत अच्छे से होता जा रहा है। या मैं बहुत इमोशनल हूँ, और एक्चुअली मैं ढोल का वेट कर रही हूँ, मेरा ढोल ऑन दी वे है, क्योंकि आज डेढ़ दिन का गणपति है, और हम सब जानते हैं कि जब डेढ़ दिन का गणपति होता है तो बहुत ट्रैफिक होता है, तो वो ऑन दी वे है। मुझे लग रहा है कि ना कि पप्पा जाने के मूड में नहीं है, तो इसलिए चीज़ें डिले हो रही हैं। अवधेश मिश्रा जी का फ़ोन आया था कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मैं भी ऑन दी वे हूँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा मैं मुझे इतना बहुत रोने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोने वाली हूँ। आप इमोशनल अभी से लग रही हो, और ये है कि जो डेढ़ दिन का रिश्ता भगवान का और भक्त का एक अलग सा रिश्ता बन जाता है, तो उसे हमेशा पूरे साल उसकी याद आती है, कौन सा बेस्ट पल है जो भगवान का आपको याद आएगा इस पूरे एक साल के दौरान? मुझे तो यही जो मेरे डेढ़ दिन के पप्पा हैं, यही मैं पप्पा को राखी बांधती हूँ पिछले बहुत सालों से, और आज मुझे सच में कल परसों रात में जब लेके आई, और जब मैं कल वेट कर रही थी कि पप्पा का जब मुख ऊपर ओपन होगा और मैं उनके दर्शन करूँगी, तो मुझे लगा कि अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो अचानक से वो जा रहे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं एक्चुअली, और यस आप रो रही हो? जी मैं कंट्रोल कर रही हूँ, बट रो रही हूँ, बट मैं ये चाहूँगी पप्पा
मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे नियर बाय, मेरा मीडिया जो मुझे इतना प्यार करता है कि मेरे एक फ़ोन पे एक फ़ोन की भी जरूरत नहीं, मैसेज पे आता है, सबको सुख समृद्धि रखे, सबके विघ्न हरे, सबको खुशियाँ दे और सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो बप्पा, यही मेरे बप्पा से प्रार्थना है। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, पुरचा वर्षी लोकैया। थैंक यू जी। किसका है ब्रेकिंग, क्या है ब्रेकिंग? कहना चाहती हूँ गणपति बप्पा मौर्य, क्योंकि मेरा पहला साल है, मेरा मुंबई में गणपति बप्पा का, और मैं अनारा दी के घर पे हूँ, जो मुझे बहुत सौभाग्य से अवसर मिला है कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, जो मैं मुझे ऐसा सौभाग्य पहली बार मिला है कि मैं उनके घर पे आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं मुंबई में पहली बार मेरी गणपति है, इसलिए मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि सभी लोग अच्छे रहें, खुश रहें, और मुझे मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि सभी लोग जितने भी भोजपुरी हैं, हिंदी है, सब लोग, मीडिया वाले सब लोग खुश रहे। आप बेसिकली आप भी कोई फिल्म की है या फिल्मों में आप काम करने की इच्छा रखती हैं? जी जी, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, बट बातें चल रही है, हो सकता है आगे चल के मेरी मूवी आए और कुछ भी हो, इसलिए अभी तो कुछ मैं बता नहीं सकती, बट हो सकता है आगे चल के जल्द हम आपको फिल्मों में देख पाएंगे। जी जी, हो सकता है। किसकी फैन है आप बेसिकली, अगर कोई? मैं सभी सारे हीरो हीरोइन भोजपुरी के सभी लोगों की मैं फ़ैन हूँ, मुझे सबकी सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं सबकी फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ की नहीं हूँ, इसलिए मेरा नाम प्रतीक्षा पांडे है। प्रतीक्षा जी, रोहित नहीं, सॉरी, ये नाम कुछ ये कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको? आपको पर्दे पर देखने के लिए कितनी प्रतीक्षा? बस ज़्यादा नहीं, जैसे मीडिया के सामने आने में इतना प्रतीक्षा करना पड़े, आप ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी। बाकी कहाँ की रहने वाली प्रतीक्षा जी आप? जी मैं बेसिकली यूपी की रहने वाली हूँ, यूपी में मैं लखनऊ की हूँ। अच्छा, लखनऊ की जी। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बताएं, अपने बारे में बताएं ज़रा। जी मैं मेरे माता पिता जो मेरे फादर जो हैं वो बैंक में हैं, और मेरी माता जो हैं टीचर हैं, और हम अभी पढ़ाई कर रहे थे, बट अब कोशिश करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद था एक्टिंग करना, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि अब। परिवार का सपोर्ट है आपको, फैमिली चाहती है कि आप फिल्मों में आएं या फिर एक्टिंग में रहें? जी जी, मुझे फैमिली से कोई रोक टोक नहीं है, और सब लोग सोचते हैं कि मैं करूं, क्योंकि मुझे शुरू से ही एक्टिंग का और डांस का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा हो सब कुछ। थैंक यू।